हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडोगीज़। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? और अभी मैं ज्यूरिख में ही हूँ एंड अभी मैं जा रहा हूँ एक छोटा सा बोट ट्रिप करने। तो ये वीडियो उसी के बारे में है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास एक साल का स्विस पास है, तो इसी के लिए मुझे 50% डिस्काउंट मिल गया है, जो कि डिस्काउंट मिलने के बाद इसका कॉस्ट होता है 3.10। तो अभी एक यहाँ पे बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे जाता हूँ, वहाँ से बस लेता हूँ और सीधा जाता हूँ ज्यूरिख लेक और वहाँ से लूँगा बोट। मैं रहता हूँ ज्यूरिख में लाइमबाख नाम की जगह पे, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट दूर है मेन सिटी सेंटर से और बहुत सही है, लाइक थोड़ा चिल है। तो अब मैं बैठ गया हूँ बस में और अब सीधा चलते हैं ज्यूरिख लेक पे, जहाँ से मेरे को बोट लेनी है। अराउंड यहाँ से 10 मिनट लगेगा भाई बस। ये मेरे पीछे आप बस देख सकते हो अगर आपको दिख रहा हो तो अब मैं उतर चुका हूँ इस बस स्टेशन पे, वॉलिस हॉफन करके है और यहाँ से अराउंड 500 मीटर की दूरी पे है जो ज्यूरिख का लेक है वो, क्योंकि ज्यूरिख का लेक बहुत दूर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जो कि थोड़ा शॉर्ट है, तो अभी चलो वहीं चलता हूँ भाई। लेकिन एक चीज़ है यार, प्रॉपर एकदम मेंटेन करके रखा हुआ है हर जगह को, बहुत सही है यार, बहुत सही। और अब मैं आ गया हूँ वॉलिस हॉफन करके लिखा हुआ था बोर्ड पे, ये आई थिंक एरिया का नाम है। तो अभी सामने से दिख रहा है मेरे को, अभी वहीं चलते हैं और 3:45 में ये बोट चलेगी और 1 घंटे की राइड है। तो अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, एकदम मज़ा आएगा अभी। तो मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये सारा का सारा ज्यूरिख लेक है, बहुत दूर में फैला हुआ है और यहाँ काफ़ी लोग, यहाँ पे अभी समर चल रहा है तो अपना नहाने वहाने आते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे इस साइड काफ़ी बंदे भरे हुए हैं भाई। और इस वाले प्लेस पे अगर मैं आपको उधर देख रहा हो तो यहाँ पे आएगी अपनी बोट अभी 15-20 मिनट में। तो भाई सीन है यार, बहुत ब्यूटीफुल है यार, सुंदरता तो स्विट्ज़रलैंड में भाई कूट कूट के बसा हुआ है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं इससे पहले एक दिन पहले आया था स्विमिंग करने दूसरे साइड में, इस बार मैं आऊँगा इस साइड में। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हो स्विट्ज़रलैंड की जो एक एप्लीकेशन है SBB, जो मेनली वो ट्रेन वाली एप्लीकेशन है, लेकिन उसके थ्रू आप फेरी, बस और सभी प्रकार के टिकट आप बुक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये अपनी पीछे बोट आ गई है और सीधा चलते हैं बोट पे। भाई ये तो बड़ा सही बोट है यार, शॉर्ट ट्रिप क्रूज लिखा हुआ है यहाँ पे एंड मज़ा आ रहा है यार। यहाँ पे काफ़ी अंदर रेस्टोरेंट वगैरह सब बने हुए हैं। अब तो आ गया हूँ बोट में, ये अभी ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ मैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी रेस्टोरेंट है, इससे ऊपर वाले पे भी रेस्टोरेंट है भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। 1 घंटे का शॉर्ट ट्रिप है लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और मज़ा काफ़ी आ रहा है। और आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये व्यू, और आप देख सकते हो यहाँ से ये, क्या कहने यार। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है काउंटर, यहाँ से आप कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हो। वैसे भाई इस बोट पे खुला बियर और चल रहा है। भाई हर जगह बंदे बैठे हैं बियर और लेके, भाई मेरे पीछे भी बंदे लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं तो खैर पीता नहीं हूँ तो इसलिए मैं ये सब प्रमोट नहीं करता हूँ। एंड आपको एक चीज़ बतानी थी कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो फ्लैग लगा हुआ है, ये इस कैंटोन का फ्लैग है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे कैंटोन है और हर एक कैंटोन का अलग अलग एक फ्लैग है। तो कैंटोन तिचिनो का मैंने शायद पहले भी आपको दिखाया था, और भी लुसर्न का और भी बहुत जगह के कैंटोन का, उन सबका फ्लैग अलग है। जैसे कैंटोन, जैसे कि आप कह सकते हो स्टेट, जैसे अपने इंडिया में है ना यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, तो आप वैसे कह सकते हो उसको। भाई अब मैं आ चुका हूँ एकदम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे और आप देख सकते हो पीछे मेरे स्विस फ्लैग एकदम लहरा रहा है, बंदे काफ़ी भरे हुए हैं भाई यहाँ पे, लाइक क्या बताऊँ आपको, काफ़ी बियर और चल रही है यहाँ पे। तो ठीक है, अपना मज़े करने दो उनको भी, और समझ रहे हो आप बातचीत। अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे वो है चॉकलेट म्यूजियम। तो मुझे एक चीज़ आपको और दिखानी थी कि इस लेक के उस साइड जो आप देख रहे हो वहाँ पे काफ़ी अमीर लोग रहते हैं भाई, क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि सन का जो लाइट है वो उधर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ की प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सपेंसिव है और यहाँ के अमीर लोग वहाँ रहते हैं।
मैं उतर गया हूँ बोट से और यहाँ से ले सकते हो आप टिकट, यानी कि बोट से उतरते ही मेन ज्यूरिख सिटी सेंटर में ही है। आप यहाँ से बोट की टिकट लेके पूरा लाइक आप जहाँ तक भी बोट जाती है उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हो। अभी भी मैं यहीं पे हूँ, लेकिन भाई जैसे ही ये रोड क्रॉस किया है और इस जगह का नाम है बुर्कली प्लैट्स करके, और यहाँ पे एक लगा हुआ है छोटा सा मार्केट इन द सेंस की सेकेंड हैंड मार्केट आप कह सकते हो, लाइक ये सेकेंड हैंड चीज़ें यहाँ पे सेल होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे आगे पीछे इस पार्क में लगा हुआ है। वैसे ये मार्केट सैटरडे को लगती है सुबह से, अब शाम हो गया तो ये ऑलमोस्ट ये लोग क्लोज कर रहे हैं और बहुत लोग जा भी चुके हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हो अगर सेकेंड हैंड कुछ लेना हो आपको, तो ठीक ठाक सा मिल जाएगा। मैं आ चुका हूँ यहाँ के पूरे डाउनटाउन में और भाई बातचीत तो काफ़ी तगड़ी है भाई, और यहाँ पे भाई कोई मास्क वास्क भी लगा नहीं रहा, एंड चलो बढ़िया है। वैसे अभी थोड़ा कोरोना के इतने केसेस नहीं है तो, जो कि अच्छी बात है, एंड मज़ा तो काफ़ी आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। इस समय मैं हूँ ट्रेम में और मैं जा रहा हूँ इंडियन शॉप मसाले लेने, क्योंकि भाई अपना इंडियन खाने के बिना हो नहीं पाता है। बहुत टाइम से अच्छा खाना नहीं खाया हूँ, अच्छा खाने का सेंस कि लाइक इंडियन खाना नहीं खाया हूँ, तो थोड़ा अभी बनाऊँगा, थोड़े मसाले वसाले ख़त्म हो गए तो वो लेकर आता हूँ अभी। गई है भाई अपनी शॉपिंग, और इस शॉप का नाम है अवतार कैश एंड करी। यहाँ से पूरा अपना ये मसाला वसाला पूरा ले लिया हूँ। सो इस ब्लॉग में इतना रखते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय एंड हैव फन।